नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सूबे के लिहाज से भी और सूबे की सत्ता के लिहाज से भी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है, तैयारियों को धार दिया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार देर रात ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की थी। इस बैठक के जरिए बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई थी। बीजेपी ने केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के बनाए गए नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सांसद अब 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की चार चार विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। साथ ही चुनावी दृष्टिकोण से भी जनता से सीधा संवाद करके केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम करेंगे। तो वहीं आज यूपी सांसदों से बैठक के अंतिम दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अवध, काशी और गोरखपुर के 44 सांसदों को बुलाया गया है। इस बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये बैठक बेहद खास होने वाली है। आज आखिरी बैठक का दिन है और बैठक बेहद खास। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ दोपहर में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात करी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की और अब से कुछ महीनों बाद ही रामनाथ कोविंद महामहिम यूपी का रुख दोबारा करेंगे और इस बार आएंगे अयोध्या। तो बेहद खास है ये बैठक। 5 अगस्त को इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा ग्राउंड जीरो यानी कि दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग को लेकर के? कौन पहुंच चुका है, किसका पहुंचना बाकी? देखिए, 8 बजे के आसपास ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी और इसके संदर्भ में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो सारी तैयारियां वो इस बैठक को लेकर कर ली गई है और 3 क्षेत्रों के जो सांसद हैं उनको जो है फिलहाल इस बैठक के लिए बुलाया गया है। अवध, काशी, गोरखपुर, कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसदों की बात की जाए तो 44 के आसपास जो सांसद हैं वो आज की इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में कल जिस तरीके से गुरु मंत्र जो है दिया गया था तमाम सांसदों को कि अपने अपने तमाम क्षेत्र में जो है सांसद पहुंचे और जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो निकाले, लोगों से कनेक्ट हो, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाते हुए नजर आए। इसके अलावा कोविड की तीसरी लहर के संदर्भ में जो तैयारियां उसको भी जनता के सामने रखे और सबसे बड़ा संदेश ये दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री टीकाकरण जो है देशवासियों के लिए किया है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जो उसमें कवर हो पाए तो तमाम जो आम लोग हैं उन तक जो जन नीतियां हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की उनको पहुंचाने के लिए जो है बैठक का सिलसिला जो है फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है स्पर्श की आज की ये बैठक किस लिहाज से बेहद खास होने वाली है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की बात तो कह दी गई है, कोविड की तीसरी लहर का भी डर है। देखिए, बिल्कुल कोविड की तीसरी लहर का डर है और कोविड की तीसरी लहर के संदर्भ में ही जो है तमाम सांसदों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रहें, क्योंकि अगर पूरे देश भर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जो सबसे अच्छा कार्य किया था वो उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्होंने पूरे देश में जो किया था और इसका बखान भी जो है कहीं ना कहीं दुनिया में भी देखने को मिला था। तो ऐसे में उस पूरे जो कार्य को जनता के बीच में लेकर जाया जाए क्योंकि जनता कहीं नाराज ना हो जाए 2000 जब ये चुनाव होंगे उसमें, तो इसलिए जो है कोविड की तीसरी लहर के संदर्भ में जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों के बीच में जो है पाए जाए, ये जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय आलाकमान के तरफ से जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और खासतौर पर जो टीकाकरण की नीति है, जिस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाना हो, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि तीसरी लहर के संदर्भ में तैयारियां जो है अपने अपने क्षेत्र में जो तमाम सांसद है वो करते हुए नजर आए, खासतौर पर केंद्र सरकार की नीतियां, क्योंकि कल जिस तरीके से एक बुकलेट और या कहें कि जो नारा दिया गया था कि काम अनेक और जो प्रचार की बात थी वो कहीं ना कहीं जो देखने को मिला। तो ऐसे में आपसे कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, उसके अलावा जो संगठन महामंत्री है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो 8 बजे के पास ही आसपास ये सिलसिला शुरू होगा और एक बार फिर से कहीं ना कहीं तमाम जो सांसद है वो अपना किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से उस क्षेत्र में, क्योंकि अगर पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें और उसके साथ साथ जो जहां पर किसान आंदोलन का ज्यादा असर देखने को मिलता है उस क्षेत्र की बात करें, वहां पर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी करे, उसलिए जो है आज सारे सांसद उस क्षेत्र के जो है कहीं ना कहीं
इस बैठक में अपनी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी का कितना गिराव बढ़ा है घटा है वो बताते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगातार खबर पर नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तो वहीं एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल होने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बीते दिन क्या थे हालात और अभी भी ये हालात जो है बने हुए हैं, ऐसे ही बहुत हद तक जो है कामयाबी नहीं मिली है एम्बुलेंस के चलने में भी। देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। सरकारी एम्बुलेंस की हड़ताल के बाद किस तरह से परिजन जो है अपने मरीजों को लेकर के पहुंच रहे हैं, हम इस टाइम लखनऊ के ट्रामा सेंटर पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये मरीज ऑटो से आया हुआ है, एम्बुलेंस की हड़ताल बुरी तरीके से, कल से एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी हड़ताल कर रखी है। जिस तरह से ये मरीज अभी आया हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये प्रतापगढ़ से मरीज यहाँ आया है और बस उतरने के बाद इसने 102 पे कॉल किया, लेकिन वही बस 102 वालों को कहना यह था कि हम हड़ताल पर है और सुविधा न मिलने से मरीज की बुरी हालत है। और ऑटो से किस तरह से टच करके इसमें आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये मरीज प्रतापगढ़ से आया हुआ है और बुरी हालत में है। वहीं पे परिजनों ने भी एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कोई सुविधा ना मिलने की वजह से ये हालत है कि जिस तरह से यहाँ पे लाया जा रहा है, ये हालात बस से बदतर नजर होते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अरशद रजा, जनता टीवी। बसपा के महाअभियान को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा गुरुवार को अमेठी पहुंचे हैं। इसके पहले अलग अलग अन्य जिलों में लगातार वो मिशन 2022 अभियान को लेकर सभा कर रहे हैं। अमेठी जिले में सतीश चंद्र मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को डर लगने लगा है कि उनकी सरकार अब नहीं बनने वाली है, जिसके चलते वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में बैठक इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। ब्राह्मण समाज के जो हम सम्मेलन कर रहे हैं उसी से तो बौखला करके बैठक कर रहे हैं, परेशान होकर के योजना बनाने के लिए कि अब कौन सा झूठ बोला जाए, कैसे बरगलाया जाए उत्तर प्रदेश की जनता को और ब्राह्मण समाज को, इसकी योजना बन रही है कि अब कौन सा नया शगुफा लाएंगे। नहीं, इसीलिए प्रदेश से बाहर जाके मंथन कर रहे हैं क्योंकि अब प्रदेश में तो उनकी हालत बहुत ही खराब है और ये तय है कि यहाँ की सरकार जाने वाली है, ये तो बिल्कुल तय। देखिए, सरकार जब बनेगी तो एक नहीं सभी चीजों की, जितने भी इन्होंने इस तरह के गलत कार्यक्रम किए हैं, जो भी किए हैं, आप खुशी दुबे वाला प्रकरण है और प्रकरण है, उन सबको हम लोग देखेंगे। तो सतीश मिश्रा को सुन रहे थे आप। तो वहीं इससे पहले अमेठी पहुंचने से पहले सुल्तानपुर में थे सतीश मिश्रा, वहां पर भी ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मंच से सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य पार्टियों को जनता विरोधी कह डाला उन्होंने। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको सुनना चाहिए, सुनिए। किसान मर रहा, आज सड़कों में एक साल हो गया, उसको कभी बरसात, कभी ठंड में पानी से भिगोते हैं, कभी लाठियां चलाते हैं। 500 लोग मर गए, 500 लोग इस आंदोलन में मर गए, लेकिन इनके ऊपर अभी भी पार्लियामेंट में हम लोग रोज मान धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसानों की, क्योंकि इन्होंने ठेका ले लिया है, उन लोगों ने हजारों हजारों लोगों का चंदा पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो कैसे कानून को बदल दें, और रुपया भी तो फिर वापस करना पड़ेगा। इनकी ये सोच आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में बैठक करी, जिसमें चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी के डुप्लीकेट सुरेश ठाकुर भी कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाना है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जो जैसे पेश आएगा उसके साथ कार्यकर्ता वैसे ही पेश आएंगे। अब एक जो अत्याचार था ना, उसकी परम सीमाएं जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने क्रॉस कर दिया है। अब जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो पूरी तरीके से अपना मन बना चुकी है कि हमारे प्रिय अखिलेश जी, जिन्होंने अपना नींद तक के अपनी खुआ दिया हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोरोना पीरियड में, अन्य मुसीबतों में भी हमारे समाज के लिए खड़े हुए, मगर आज समाज के अंदर जो परिस्थिति आई है वो परिस्थिति गिद्ध की सोच रखने वाले व्यक्तियों जैसी है। 2022 में किस तरह से आप सहयोग करेंगे सपा का? 2022 में एक ही चीज का नारा होगा, अब बम चले चाहे कट्टा, समाजवादी योद्धा होई गवाई खट्टा।
1 अगस्त को पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं रोपवे का उद्घाटन करने मिर्जापुर में, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया कार्य है। तो हमने भैया से यही बात किया कि भैया वो लोग बस फीता काटने का काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके फीता काटने से पहले हमारा काम है, तो हम फीता काटें और हम मिठाई बांटें। तो क्या उन लोगों से पहले आप उसका इनॉग्रेशन करेंगे, फीता काटेंगे? भैया का तो यही आदेश है और हम लोग उनके आदेश का पालन करेंगे। वहीं लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 27 जुलाई को रात हुए भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा पुलिस ने एआरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव की तहरीर पर दर्ज किया, जिसमें बस और ट्रक के चालक और मालिक सहित टोल कर्मी को शामिल किया गया है। एआरटीओ ने मुकदमा दर्ज कराया है कि बस का एक्सल मंगलवार की शाम 7 बजे ही टूट गया था। 4.5 घंटे तक टोल प्लाजा की ओर से अगर पेट्रोलिंग नहीं की गई तो आखिरकार गलती किसकी है? बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस का 32 बार चालान हो चुका है। सवाल ये कि अंतरराज्यीय बसों का संचालन अगर प्रतिबाधित है तो इस बस को चलने कैसे दिया गया? हरियाणा से बिहार बस को चलने की अनुमति किसने दी? इस पूरे मामले में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। एफआईआर दर्ज करा दी गई है और एफआईआर में उस ट्रक का जो ड्राइवर जिसने पीछे से धक्का मारा और जो बस जो ट्रैवल एजेंसी थी और जो बस का ड्राइवर, उन सबके खिलाफ एफआईआर हुई है और इसमें और भी जो तथ्य है वो उभर के आएंगे विवेचना में, उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल और एसीएस होम अविनाश अवस्थी सरोजनी नगर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरोजनी नगर के पिपरसंड बने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का निरीक्षण किया है। तो वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। प्रदर्शन करने वालों की मांग थी कि जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए, उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। प्रदेश सरकार ये जानती थी कि उनका स्वास्थ्य खराब है, एक षड्यंत्र के तहत उनको एक दफन और खत्म करने की राजनीति उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि आजम खान साहब क्या भैंस चोरी करेंगे, किताबें चोरी करेंगे, मुर्गा चोरी करेंगे? इसी तरीके के विभिन्न मुकदमे आजम खान साहब पर पंजीकृत हुए हैं, जिन मुकदमों का कोई आधार नहीं है, जिन मुकदमों की कोई सच्चाई नहीं है, सारे फर्जी मुकदमे हैं। जो मुकदमे वापस होने योग्य हैं, निरस्त करने योग्य हैं, ऐसी स्थिति में माननीय आजम खान के ऊपर लगे मुकदमे वापस हो और वापस करते हुए माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को रिहा किया जाए। हमारी यही मांग है महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से कि आजम खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की लंबे समय से मांग को लेकर गैंगस्टर कोर्ट ने इस मांग को मान लिया है। गैंगस्टर कोर्ट के निर्देश पर बांदा जेल में बंद माऊ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी की बैरक में अब टीवी लगने वाला है। ये ऑर्डर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की तरफ से दिए गए 4 पेज के आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया। आपको बता दें कि मुख्तार ने कहा था कि वो खेल का बहुत शौकीन है, टोक्यो ओलंपिक देखने के लिए उसकी बैरक में टीवी लगा दी जाए, जिस पर यह आदेश सुनाया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे देवभूमि का। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। एक तरफ बीजेपी समिति का गठन करते हुए संघ के साथ रणनीति बना रही है ताकि आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी के हर वर्ग और क्षेत्र में मजबूत पकड़ को और पुख्ता किया जाए। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियों को धार देना तेज कर दिया। सरकार के मंत्री, विधायक, दायित्वधारी और पार्टी पदाधिकारी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कई समितियां गठित कर दी है।
इसी कड़ी में भाजपा को सूबे में और मजबूती देने के लिए संघ ने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी। खुद संघ के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीएल संतोष उत्तराखंड भाजपा की चुनावी तैयारियों की थाह ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच ये 3 दिवसीय समन्वय बैठक बुधवार से देहरादून में शुरू हुई। पहले दिन संघ ने भाजपा के साथ हुए मैराथन विमर्श के दौरान प्रदेश भाजपा संगठन और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। साथ ही उत्तराखंड में बदले राजनीतिक हालात और प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मसलों पर चर्चा की गई। संघ की ओर से सरकार और संगठन को कई सुझाव भी दिए गए। हालांकि बैठक के बाद जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने इस बैठक को रूटीन कामकाज की समीक्षा और आगामी रणनीति पर विचार से संबंधित बताया। सह प्रभारी जी कल सुबह से हमारे मध्य में हैं, विभिन्न बैठकों में कल पूरे दिन हम लोग व्यस्त रहे, शाम को भी बैठक हुई। आज सुबह से अभी तक लगभग 4 बैठक हम लोग कर चुके हैं, 5वीं बैठक अभी और होनी है। इसमें हमने सोशल मीडिया की जो हमारी स्टेट की पूरी टीम है उसके साथ हमारा बैठना हुआ, मीडिया के साथ बैठना हुआ, एक हमारा ग्रुप की बैठक सामान्य वो सारे मिनिस्टर्स होते हैं और उनके साथ संगठन के 2-2 लोग होते हैं, तो इस प्रकार से 5 हमारी बड़ी बैठक है, उन 5ों ग्रुप्स की बैठक हमारी हुई है। इससे अलग सोशल मीडिया जो वॉलंटियर हमने देहरादून महानगर और देहरादून जिले के कुछ चुनिंदा 100 के लगभग कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया, वो बैठक हम लोगों ने की। इसके बाद टोली बैठक हमारी होगी, तो इस प्रकार से चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर की हैं। और जो चुनाव में हम लोगों ने रोड मैप था उस रोड मैप पर अभी तैयारी जो चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो बचे हुए कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने के लिए भी अगले महीने तय करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में चल रही समन्वय समिति की 5 समूहों की बैठक में सीएम धामी और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहे, जिसमें सोशल मीडिया समिति, प्रचार समिति, चुनाव प्रचार से संबंधित विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि संगठनात्मक स्तर पर लगातार बैठकों का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति रहनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती है, वही बैठक चल रही है। खैर नेताजी जो कहें सो कहें, लेकिन अंदर खाने का सच ये है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक, प्रदेश भर में जनता दर्शन, संगठनों और विभागों के साथ बैठक करने की तैयारी बन चुकी है। साथ ही चुनाव से पहले सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव में जनता को पार्टी की ओर मोड़ना है, जिसके लिए ग्राउंड पर पार्टी हर संभव प्रयास को तैयार है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की उम्मीद कि आपका आने वाला समय आज से बेहद बेहतरीन हो।